महोबा में बीते दिनों बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र सहित तीन लोगों द्वारा क्रशर मुनीम की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। मामले में समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही डीएम से मृतक के शव का तीन डॉक्टरों ने पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। वहीं मृतक के परिवार ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की है। बता दें, मुनीम की हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीप प्रकाश द्विवेदी के पुत्र आदर्श द्विवेदी के साथ ही प्रांजल त्रिवेदी और एक अन्य अज्ञात पर लगा है। कपराई पुलिस ने मृतक परिवार की शिकायत पर तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष द्विवेदी जी हैं, उनके बेटे ने आदर्श द्विवेदी ने क्रेशर मुनीम चुनवाद साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज पीड़ित परिवार को लेके हम और डीएम से मिले और एसडीएम से मिले के जो पोस्टमार्टम होना है वो तीन डॉक्टरों के पैनल में पोस्टमार्टम हो, और हमारी ये भी मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो है कि जो पोस्टमार्टम होनी है उनका, उनकी मांग है कि वो तीन डॉक्टरों के पैनल से हो। तो डीएम साहब को इन्होंने पत्र लिखा था, डीएम साहब ने हमें लिखा था कि एसएचओ से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जाए, तो हमने लिख दिया है सीएमएस साहब को कि तीन डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए।